कि अगर आप लोगों के खिलाफ, अगर आप लोगों के पास जुबैर के खिलाफ या हमारे किसी भी ऑफिस वाले के खिलाफ कोई सबूत है तो उसको सामने लाए, मीडिया के सामने लाकर बताएं कि हाँ ये गलत है। लेकिन इस तरीके से झूठे इल्जामों में फंसाना और एक छात्र की पढ़ाई को खराब करना ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इस चीज को एनएसयूआई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इनके खिलाफ कभी भी घुटने नहीं टेकेगी। और मैं पुलिस को भी यहां से बताना चाहूंगा कि आप लोग भी इनके बहकावे में आकर कानूनी प्रक्रिया को ना भूले, संविधान का सम्मान करें और संविधान का जिस तरीके से हम सभी लोग सम्मान करते हैं, अब झूठे आरोप लगाकर असंवैधानिक तरीके से छात्रों की आवाज को कुचलने का काम ना करें, अन्यथा इतिहास में आप लोगों का नाम भी बीजेपी के साथ ही लिखा जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी आज जो कार्य कर रही है, वर्तमान में नहीं, किसी को सही गलत अगर कभी लिखा जाता है या कहा जाता है तो वो इतिहास में लिखा जाता है, इतिहास बताता है कि कौन गलत था और कौन सही था। तो आप लोग भी कुछ ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण जिस तरीके से हमेशा से असम की पुलिस का एक बड़े सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता है, तो ऐसा ना हो कल जब इतिहास लिखा जाए तो आपका नाम कहीं बीजेपी की बी टीम के साथ ना लिखा जाए। ये मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि असम की जो पुलिस है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से काम करे, ना कि बिल्कुल बीजेपी की बी टीम बनकर काम ना करे। ये जो जब सारे छात्र हैं इनमें से कोई भी आतंकवादी नहीं है, इनमें से कोई भी देश विरोधी नहीं है, ये सभी देशभक्त लोग हैं, ये अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, असम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई अपनी घर की लड़ाई यहां पर लड़ने नहीं आए हैं, ये इस प्रदेश की लड़ाई लड़ने आए हैं और इस देश की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो इस लड़ाई को कमजोर करने का काम ना करें, यही मेरी इनसे विनती रहेगी। अंत में मैं अपनी बाकी से जो जो छात्र इस मुहिम में सीए की मुहिम में शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनके परिवार को दुआ करता हूं भगवान से कि उनके परिवार को इस कठिन समय में जब उनके घर के लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, भगवान उनको ताकत दे ताकि वो उनकी आत्मा को शांति मिले। अंत में फिर से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, आप लोग सब यहां पे आए, जय हिंद, जय भारत।